सो हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाले इन्फिनिक्स नोट 11 स्मार्टफोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इन्फिनिक्स की हॉट 11 सीरीज तो अभी हाल ही में लॉन्च की गई है इंडिया के अंदर, लेकिन गाइज बहुत जल्द आपको यहाँ पर इन्फिनिक्स की नोट 11 सीरीज भी देखने को मिलने वाली है। और फिलहाल के लिए इस स्मार्टफोन की सारी स्पेसिफिकेशन यहाँ पर लीक हो चुकी है। और इसके साथ दोस्तों, ये स्मार्टफोन आपको कैसा देखने को मिलने वाला है, इसके अलावा इस स्मार्टफोन की पूरी स्पेसिफिकेशन और साथ ही दोस्तों, ये स्मार्टफोन की प्राइसिंग क्या होने वाली है और ये स्मार्टफोन कब तक आपको इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएगा, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों, ये स्मार्टफोन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यार इन्फिनिक्स काफी अच्छे अच्छे स्मार्टफोन लेकर के आ रहा है और वो भी काफी अच्छी प्राइस पर। तो गाइस यार, वीडियो के लास्ट तक जरूर से बने रहेगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। साथ ही दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि गाइस जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपकी डिवाइस पर टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हमेशा की तरह शुरू करते हैं इस स्मार्टफोन की डिजाइन और स्मार्टफोन के बिल्ड क्वालिटी से। पहले दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको प्लास्टिक फ्रेम प्लास्टिक बॉडी के साथ में देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको फ्रंट में ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। साथ ही बैक में आपको यहाँ पर ग्लॉसी फिनिशिंग देखने को मिलने वाली है, तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर आपको बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं यहाँ पर डिजाइन की दोस्तों, तो डिजाइन के मामले में ये स्मार्टफोन आपको काफी अच्छा और तगड़ा देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर आपको बैक में रेक्टेंगुलर डिजाइन के साथ में तीन कैमरा की हाउसिंग देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आपको यहाँ पर एलईडी फ्लैश भी देखने को मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे की तरफ इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। इसके साथ में बात करें यहाँ पर फ्रंट की दोस्तों, फ्रंट में आपको यहाँ पर इन्फिनिटी यू नॉच के साथ में काफी अच्छी डिस्प्ले भी देखने को मिलने वाली है, जहाँ पर आपको चिन और बेजल्स वगैरह भी ठीक ठाक देखने को मिल जाएंगे। देखा जाए दोस्तों, तो आपको यहाँ पर डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी दोनों ही काफी अच्छे देखने को मिलेंगे, तो दोनों से ही आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। सो दोस्तों, छोटी छोटी बातें तो यहीं पर खत्म होती है। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं स्मार्टफोन की बड़ी बड़ी बातों की। तो शुरू करते हैं यहाँ पर स्मार्टफोन के डिस्प्ले से दोस्तों। तो यार इन्फिनिक्स हमेशा से बड़ी डिस्प्ले के लिए जाना जाता है, तो इस बार भी इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर पॉसिबली दोस्तों यहाँ पर 6.78 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर के थोड़ा सा डाउट है, लेकिन गाइस यहाँ पर आपको सुपर एमोलेड की पैनल देखने को मिलेगी और साथ ही आपको यहाँ पर फुल एचडी प्लस का रिजोल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ये चीज यहाँ पर बिल्कुल भी कन्फर्म हो चुकी है। इतनी बड़ी डिस्प्ले के साथ में कंटेंट वगैरह वॉच करने में तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर आपको वाइड बैंड L1 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, तो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में भी आपको यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और इसके अलावा डिस्प्ले को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर NEG का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। और जहां तक बात है तो गेमिंग की, तो यहाँ पर पॉसिबली ऐसे लीक्स आ रहे हैं कि यहाँ पर आपको नॉर्मल 60Hz की रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले ही देखने को मिलने वाली है। तो ओवरऑल देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले काफी बढ़िया देखने को मिलने वाली है, तो डिस्प्ले से आपको यहाँ पर कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। तो बढ़ते आगे और बात करते हैं यहाँ पर स्मार्टफोन के कैमरा की दोस्तों। तो जैसा कि गाइस हर बार आपको यहाँ पर तीन कैमरा सेंसर ही देखने को मिलते हैं, तो इस बार भी आपको यहाँ पर तीन कैमरा सेंसर ही देखने को मिलेंगे, लेकिन इस बार आपको यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिलने वाला है F1.8 अपर्चर के साथ में, जहाँ पर आपको सैमसंग ISO सेल JN1 का सेंसर देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक मैक्रो सेंसर देखने को मिलेगा और साथ ही दोस्तों 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक AI लेंस देखने को मिलने वाला है। वहीं पर बात करें फ्रंट कैमरा की दोस्तों, तो फ्रंट में आपको यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलने वाला है, तो ये भी काफी अच्छी बात है दोस्तों। तो ओवरऑल देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक डिसेंट कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की रिकॉर्डिंग भी कर पाएंगे 30fps पर। तो कैमरा मॉड्यूल से भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत देखने को नहीं मिलने वाली, कैमरा मॉड्यूल आपको यहाँ पर काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं स्मार्टफोन के हार्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में। इस बार भी आपको यहाँ पर एक लेटेस्ट चिपसेट देखने को मिलने वाला है MediaTek की तरफ से आने वाला MediaTek Helio G88 का। जी हाँ दोस्तों, ये प्रोसेसर आपको यहाँ पर 12nm की फैब्रिकेशन पर देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको 64-bit आर्किटेक्चर देखने को मिल जाते हैं। साथ दोस्तों ये प्रोसेसर काफी स्टेबल है, जहाँ पर आपको हीटिंग वगैरह भी बहुत कम देखने को मिलती है, इसके अलावा परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी निकाल कर दे देता है। तो चलिए बात करते हैं CPU की दोस्तों। तो यहाँ पर आपको 2 कोर देखने को मिलने वाले हैं 2.0 GHz पर, जहाँ पर आपको Cortex A75 के कोर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों बाकी के 6 कोर आपको यहाँ पर पावर एफिशिएंसी और मीडियम टास्क के लिए देखने को मिल जाते हैं 1.8 GHz पर, जहाँ पर आपको Cortex A55 के कोर देखने को मिल जाते हैं। तो परफॉर्मेंस भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत देखने को नहीं मिलने वाली है। इसके साथ में बात करें यहाँ पर गेमिंग ग्राफिक GPU के बारे में, तो इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर आम वाली G52 MC2 का GPU देखने को मिल जाएगा, जो कि एक ड्यूल कोर का GPU है, तो आपको यहाँ पर डिसेंट लेवल की गेमिंग भी करा देगा। तो गेमिंग में भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी।
तो देखा जाए तो आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस में भी कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। तो अब इसी के साथ में बात कर लेते हैं यहाँ पर स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज के बारे में दोस्तों। तो इस स्मार्टफोन का अभी तक सिर्फ एक ही रैम वेरिएंट यहाँ पर लीक हुआ है दोस्तों, जहाँ पर आपको 6GB तक की रैम देखने को मिलेगी, जहाँ पर आपको LPDDR4X रैम का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इसके साथ में बात करें स्टोरेज की, तो यहाँ पर आपको 128GB की इनबिल्ट स्टोरेज देखने को मिलने वाली है, जहां पर आपको eMMC 5.1 की स्टोरेज देखने को मिलने वाली है। सो गाइज ओवरऑल देखा जाए तो आपके यहां पर रैम और स्टोरेज का जो मॉड्यूल दिया गया वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा, तो यहां पर आपको इससे भी कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। सो दोस्तों बढ़ते आगे और बात करते हैं यहां पर स्मार्टफोन के बैटरी मॉड्यूल की। तो दोस्तों इस फोन के अंदर इस बार आपको 5000mAh की डिसेंट बैटरी का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, जो कि यार इनफ है एक दिन के यूजर्स के लिए। साथ ही आपको यहाँ पर चार्जिंग के लिए 22.5W का चार्जर देखने को मिलने वाला है। हो सकता है दोस्तों कि ये स्मार्टफोन यहाँ पर 18W की चार्जिंग को सपोर्ट करता हो, लेकिन दोस्तों बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पर 22.5W का चार्जर देखने को मिल जाए, तो ये भी आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों चार्जिंग के लिए टाइप सी की पोर्ट देखने को मिलने वाली है। तो ओवरऑल आपको यहाँ पर बैटरी मॉड्यूल भी काफी तगड़ा देखने को मिलने वाला है, तो बैटरी मॉड्यूल से भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। सो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर स्मार्टफोन के एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में। तो गाइस इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलने वाला है, फेस अनलॉक जैसे फीचर देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ में आपको यहाँ पर ट्रिपल कार्ड का स्लॉट देखने को मिलने वाला है, तो ये काफी अच्छी बात होने वाली दोस्तों। इसके साथ में दोस्तों इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर NFC का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, तो ये भी काफी अच्छी बात हो जाएगी। और वहीं पर दोस्तों बात करें यहाँ पर स्पीकर्स की, तो पॉसिबल दोस्तों यहाँ पर भी आपको ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आपको DTS साउंड का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, तो ऑडियो भी दोस्तों आपको यहाँ पर काफी तगड़ी देखने को मिलने वाली है। हालांकि दोस्तों इसको लेकर के अभी तक सिर्फ एक लीक है, ये कंफर्म नहीं हुआ है कि आपको यहाँ पर DTS साउंड का सपोर्ट देखने को मिलेगा, लेकिन गाइस अगर मिल जाता है तो यहाँ पर काफी अच्छा और तगड़ा आउटपुट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं अब यहाँ पर स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में दोस्तों। तो ये स्मार्टफोन आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 11 बेस्ड XOS 8.0 पर देखने को मिलने वाला है। और आप सभी को तो पता ही होगा कि इन्फिनिक्स की OS के अंदर आपको काफी सारे ब्रॉडवेयर ऐप और एड्स देखने को मिल जाते हैं, तो और दोस्तों आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं स्मार्टफोन की लॉन्च डेट और स्मार्टफोन की प्राइसिंग के बारे में। तो वैसे दोस्तों ये स्मार्टफोन यार पाकिस्तान के अंदर आपको देखने को मिल चुका है, जहां पर एक टेक यूट्यूबर ने इसको लेकर के काफी सारी इमेजेस और साथ ही इसके ऊपर एक नई वीडियो भी बना दी है। तो ऐसा लग रहा है दोस्तों कि ये स्मार्टफोन आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है, तो आप यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये स्मार्टफोन आपको अक्टूबर के आसपास में इंडिया के अंदर लॉन्च होता हुआ देखने को मिल सकता है। और वहीं पर दोस्तों बात करें प्राइसिंग की, तो यहां पर काफी सारे लीकर्स का मानना है दोस्तों कि ये स्मार्टफोन आपको 6GB रैम 128GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ में अराउंड यहां पर 13,000 रुपए के आसपास में देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों अभी तक यहाँ पर सिर्फ एक्सपेक्टेड प्राइस है, लेकिन गाइज अगर ये स्मार्टफोन 13,000 रुपए के आसपास में और वो भी इतनी अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ में देखने को मिलता है, तो यार मेरे हिसाब से काफी कमाल की डील होने वाली है। वैसे दोस्तों आप सभी को क्या लग रहा है, क्या ये स्मार्टफोन इसी प्राइस पर आपको देखने को मिलेगा, या फिर हो सकता है इसका जो 4GB वाला 64GB वाला वेरियंट है वो आपको अराउंड यहाँ पर 13,000 रुपए के प्राइस पर देखने को मिल सकता है? आपको क्या लग रहा है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।